नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस की महारैली से। कांग्रेस ने हाल ही में महारैली की। राजस्थान में कांग्रेस की जो महारैली हुई उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनावी रुख जो है वो बदल रहा है। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस की इस महारैली के बाद, कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने खुलकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महारैली से डर चुकी है। महारैली के अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम नेता जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जनता के लिए बात कर रहे हैं, यही सब देखकर इस वक्त बीजेपी को डर लग रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की इस महारैली को दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई थी। दिल्ली में इजाजत न मिलना साफ तौर पर यह बताता है कि मोदी सरकार चाहती है कि कांग्रेस की जो महारैली है या फिर आने वाले समय में जो महारैली होगी उसको दिल्ली में ना रखा जाए। बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी यही हाल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रियंका गांधी से हार मान चुके हैं। प्रियंका गांधी के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसका बड़े स्तर पर असर देखता भी नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव में इस बार योगी सरकार को झटका लगना तय है और कुल मिलाकर देखा जाए कि कांग्रेस एक बहुत बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल करती नजर भी आ रही है। चलिए आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।